अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान का जो सार, नॉर्मली धर्म के अंदर शरीर और आत्मा दोनों की बात होती है, पर यह तीन बात होती है, शरीर आत्मा और प्रतिष्ठित। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा की जो खोज है बहुत बड़ी खोज है और आप सब भी उसको ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा कि पुरुषार्थ मात्र प्रतिष्ठित आत्मा ही कर सकते हैं, पर वो भी लाइव प्रतिष्ठित। और इसीलिए हमारा पूरा फोकस इसी के ऊपर होना चाहिए। अभी तक फोकस इसी के ऊपर था। यह सुन लो, अभी मालूम हुआ कि विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की जानकारी के बाद कि फोकस प्रतिष्ठित आत्मा के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला वो है। ये पुरुषार्थ करने वाला ये तो कर्मों का फल उत्तार करने वाला है, उसके ऊपर देखेंगे या न देखेंगे कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर हो गया, नो कंफ्यूजन। आप समझे, अगर मैं रिचुअल्स की बात करना शुरू कर दूंगा कि नहीं आपको प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए, सामयिक तो करना ही चाहिए, आरती तो करना ही चाहिए, पूजा करना ही चाहिए, ये सब कुछ क्रियाएं जो है वो करनी चाहिए, फिर क्या हो जाएगा, साइंस खत्म हो जाएगा। मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ पता होगा और फिर बताऊंगा पुरुषार्थ पति से अपना करता है, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और आप सब लोग जो अब कंफ्यूजन में थे तो कंफ्यूजन में ही फिर रहोगे, या सुनो। और इसीलिए मेरे को कंफ्यूजन में से बाहर निकालने के लिए मन वचन काया और उनकी कोई भी प्रकार की क्रिया और उसमें कोई भी परिवर्तन, ये आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है मैं कौन हूं और मेरे अलावा पूरा ब्रह्मांड कौन चलाता है, यही सब्जेक्ट है। और कोई सब्जेक्ट, इस शरीर को क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा है बुरा है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, समर्पण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्ट यहाँ इन डिपार्टमेंट के बारे में विस्तार समझाइए। क्या काम करते हैं तीन डिपार्टमेंट, समझाइए विस्तार। थ्री डिपार्टमेंट, आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति। आत्मा का रोल है स्व पर प्रकाशन, ये उनका स्वभाव है, यानी उनको करना ना करना वो सब्जेक्ट नहीं। आत्मा का स्वभाव परमानेंटली स्व पर प्रकाशन। दूसरा प्रकृति, वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। प्रकृति क्या है, कर्मों की भुगतान का साधन, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, नेचर ऑपरेटेड है। ये प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कौन है, तो ये कर्मों की भुगतान का साधन है और आत्मा स्वभाव पर प्रकाश है, तो पुरुषार्थ कौन करेगा, प्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है मन बुद्धि चित अहंकार की प्रोसेस में और पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संयोग, वर्तमान ज्ञान के सहयोग से फिर मन बुद्धि चित अहंकार में प्रोसेस होती है और प्रोसेस का रिजल्ट प्रोडक्शन है स्पीच और एक्शन का बीज। ऐसे ये तीनों की प्रक्रिया चलती है, आत्मा, प्रकृति और प्रतिष्ठा। मगर तीनों का रोल क्या है, जब मैं कहूं कि ये कर्म फल है
एक दो तीन, एक नंबर आत्मा, दो नंबर प्रतिष्ठित आत्मा, तीन नंबर प्रकृति। मैं कोई भी बात कर्म फल की करूंगा कौन से कॉलम में जाएगा? मैं कोई भी पुरुषार्थ की बात करूंगा कौन से कॉलम में जाएगा? और मैं परमानेंट नेचर की बात करूंगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं जब पुरुषार्थ की बात करूंगा तो आपको मालूम होना चाहिए ये प्रतिष्ठित आत्मा की ही बात है, प्रकृति की बात और परमात्मा की बात नहीं। जब मैं कर्मों की भुगतान की ही बात करूंगा कोई भी एंगल से तो मतलब ये प्रकृति की ही बात है, ये कुदरती रचना की ही बात है, उसमें प्रतिष्ठित आत्मा परमात्मा नहीं आते हैं। यानी क्लियर, नो कंफ्यूजन। आज तक ये तीन सेक्शन किसी को क्लियर ही नहीं हुआ था, क्योंकि एक तरफ भाव को पुरुषार्थ बताया, दूसरी तरफ क्रिया को पुरुषार्थ बताया। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ। अभी किसको पुरुषार्थ कहेंगे या प्रतिष्ठा को पुरुषार्थ कहेंगे, किसको कहेंगे? हम अगर दोनों को पुरुषार्थ बताएंगे तो यही हुआ था ना अभी तक? सबको यही हुआ था ना? या सुन लो, वो भरत भाई है कि गए तो आज तक अभी यही कंफ्यूजन था लोग, और इसीलिए समझ में नहीं आया था। तो यही शायद को मैंने क्लैरिफाई कर दिया, नो कंफ्यूजन। सबको आइडेंटिफाई कर दिया क्या सबका रोल क्या है, तो दोनों को मिक्स करने की कोशिश मत करना। अपने विजन में तीनों को, तीनों का रोल क्लियर कर दो, जोड़ने की कोशिश मत करो। समझ में आया? जो प्रतिष्ठित, जो प्रकृति है वो टोटल मैकेनिकल है, वहां पुरुषार्थ का अंश। जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो संपूर्ण एक्टिव है, ज्ञानी का, अज्ञानी का, विज्ञानी का, सबका एक्टिव है, क्योंकि पुरुषार्थ किनको करना है। और जो परमात्मा है वो तो अपने स्वभाव में ही है, कभी वो अपने स्वभाव में से बाहर नहीं निकलते हैं। तो तीनों का रोल आइडेंटिफाई हो गया। अभी अपने विजन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा कि नहीं नहीं हम तो उपवास करते हैं वो पुरुषार्थ है, कोई कहेगा नहीं हम तो आरती करते हैं पुरुषार्थ है, कोई कहता है हम ये क्रिया करते हैं तो पुरुषार्थ है। तो आपको कहने का कि आप जो मानते हैं वो आपकी दृष्टि से सही है। हमारे विज्ञान में तो साफ बताया गया है कि मन वचन काय जो कुछ भी होता है जन्म से मौत तक वो 100% कर्म फल है। हमको कंफ्यूजन, फिर आपको मानना ना मानना आपकी मर्जी है। समझ में आ गए? तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति कहेगी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत करके आपको बाहर निकाला है, कम आउट फ्रॉम द कंफ्यूजन। समझ में आया? फिर अभी इसमें पढ़ने का नहीं, तो फिर और कोई निकालेगा। समझ में आया कि नहीं? हर बातों को क्लियर किया, क्या किया, ताकि आम व्यक्ति उनको समझ पाए। आज दुनिया के साधु संत और सन्यासी और मोटिवेशन वाले भी अब ये विज्ञान की बात अपनी भाषा में कर रहे हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। जो जिंदगी में पहले कुदरत और कुदरती कानून की बात नहीं करते थे उसकी बात आज वो करते हैं, क्योंकि तो सनातन है, ये मेरी बात थोड़ी है। उसको लगता है कि ये बात करने से ही लोगों के अंदर प्रभाव आएगा, वो भी बात करते हैं, तो मेरे को तो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मकसद ही है दुनिया के अंदर ये सनातन सत्य कैसे भी करके जाए, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। ठीक है, मैंने जो बात किया आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति, मैंने जो बात किया कर्म बांधने की प्रक्रिया, प्रतिष्ठित आत्मा जो मन उदीचिता का अंदर प्रोसेस होती है, और तीन प्रकार की हेल्प है डेवलपमेंट, पिछले अवतार का वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान, इसके हेल्प से पुरुषार्थ होता है और प्रोसेस का रिजल्ट आता है स्पीच और एक्शन का बीच। फिर तीन बात बताई मैंने, मैं अभी की बजाय तो उसकी बात करता हूँ कि आत्मा क्या है, प्रतिष्ठित आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तीनों का रूप बताया। ये आपने अध्यात्म विज्ञान के अलावा कहां सुना वो बताएंगे, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान का जो अनुभव है वो मेरे को खुद का है, वही मेरा प्रेजेंटेशन है। तो दुनिया की और कोई व्यक्ति कैसे बात कर सकती है?
हाँ कॉपी कर सकती है, कॉपी समझते हैं, बस बाकी कोई नहीं बोल सकते, हाँ कॉपी कर सकते। वो ऐसा नहीं कहते कॉपी करने वाला होगा तो ये मेरा अनुभव, ऐसा नहीं बोलेगा मैंने सुना है मैंने पढ़ा है, नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं ये मेरा खुद का अनुभव है। और इसीलिए दुनिया की कोई भी व्यक्ति को अगर विज्ञान यथार्थ रूप में समझना है, विज्ञान मेरी बातें नहीं, ये कुदरत का कानून, ये सनातन सत्य जिसको भी समझना है इसको ये विज्ञान अध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा। और वो मेरा नहीं है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, समझ में आया। तो यही विज्ञान एक ऐसा है दुनिया में आज जो निष्पक्षपाती कोई भी टाइटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और दुनिया का कोई भी धर्म नहीं लोग टाइटल के साथ जुड़ा है, ये इसका है। आध्यात्म विज्ञान किसी का है नहीं, ये कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, समझ में आया। तो आप 10-15 सत्संग दो दो घंटे का सुनोगे यूट्यूब में है तब मालूम होगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान शब्द बोलने से विज्ञान समझ में नहीं आता है, समझ में आएगा। अगर आपने विज्ञान शब्द का प्रयोग तो कर दिया, फिर कोई प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर नहीं दे सकते हो, मतलब आपने विज्ञान नहीं समझा, शब्द ही समझा। मगर आध्यात्मिक विज्ञान जैसे जैसे आप समझोगे आपको विज्ञान समझ में आएगा, खुद को समझ में आएगा, खुद ही उपयोग करोगे, खुद ही अनुभव करोगे, और वो अनुभव खुद ही दूसरे को बांट सकते हो, क्योंकि ये कुदरती कानून का विज्ञान है, ये मेरा विज्ञान नहीं है, प्रेजेंटेशन मेरा है, अनुभव मेरा है, मगर साइंस तो था है और रहेगा, समझ में आया। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के पद में चार्ज होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देंगे। वो मैंने बताया ना, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को विज्ञान नहीं बताया, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का चार हिस्सा है, मन बुद्धि चित अहंकार, ठीक है। पिछले अवतार का डेवलपमेंट वर्तमान संयोग और वर्तमान ज्ञान, ये तीनों की हेल्प से ये चारों में प्रोसेस होती है, क्या होती है प्रक्रिया। तो प्रक्रिया को कहते हैं प्रोसेसिंग फैक्टरी, इसका प्रोडक्शन क्या आता है स्पीच और एक्शन का भी। अभी ये चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट मंथ में डिस्चार्ज के फॉर्म में काम करेगा, ऑटोमोड यहाँ चार्ज हो गया, अभी यहाँ प्ले करने का है, क्या करना है पुरुषार्थ नहीं करना है, जो चार्ज किया वो जैसे रिकॉर्ड करते हैं फिर प्ले करते हैं ना, उसमें मेहनत होती है, फिर ऐसे यहाँ चार्ज किया तो डिस्चार्ज अपने आप होगा, और स्पीच और एक्शन के संयोग कुदरत देंगे, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये चार्ज का भाग है वो मैंने बताया, और डिस्चार्ज का भाग इसी प्रकार से काम करता है, समझ में आया। तो ऐसे चार्ज एंड डिस्चार्ज को चलता रहता है जन्म मरण के चक्कर से। दो तीन बार आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धीरे धीरे दिमाग में सेट होगा, क्योंकि इस प्रकार की बातें हमने कभी सुनी नहीं है, हमने सब जो सुना है वो रेडीमेड आंसर है, क्या है कर्म को बांधना, कर्म को भुगतान करना, 8 प्रकार के कर्म, ऐसा ऐसा रेडीमेड सुना है इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक प्रोसेस हमको भी अभी तक सुनी नहीं थी, तो मालूम भी नहीं है, जो किताब में लिखा है रेडीमेड वही आपको मालूम है, क्योंकि लोग वही बोलते हैं। श्रीमद रायचंद्र जी को अनुभव था, मगर आज जो श्रीमद रायचंद्र की बात करते इसको अनुभव नहीं है, वो किताबों की बात करता है। दादा भगवान को अनुभव था, मगर दादा भगवान की बात करने वाले कोई भी अनुभव नहीं है, वो किताबों की बात करता है। आज मेरे को अनुभव है, मगर मेरे विज्ञान की बात करने वाला कोई होगा तो क्या करेगा, किताबों की बात करेगा, सुनी हुई बात करेगा, यही रहेगा ना, तो वो तो रहेगा ही। यू कैन नॉट कंपेयर विद द एक्सपीरियंस पर्सन एंड नॉलेज पर्सन, कभी कंपेरिजन हो ही नहीं सकती। नॉलेज का मतलब है, नॉलेज का मतलब है दे हैव अ नो एक्सपीरियंस, कोई भी व्यक्ति और कोई भी धर्म की बात, चाहे वो गीता के ऊपर बात करें, रामायण के ऊपर बात करें, वेदांत के ऊपर बात करें, आगम के ऊपर बात करें, कोई भी व्यक्ति बात करेगी, मगर इसको बोलना पड़ेगा मेरा अनुभव नहीं है, सिर्फ मैंने किताबों में से जाना है, या सुनो
और रामकृष्ण महावीर को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो किताबों में से बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? श्रीमद रामचंद्र को नहीं बोल सकते कि वो किताबों में बोलते थे, दादा भगवान को नहीं बोल सकते कि वो किताबों में से बोलते थे, ऐसे मैं भी जो बोलता हूँ वो किताबों का ज्ञान नहीं, तो अनुभवी पुरुष की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। आप समझे, बाकी किताबों का ज्ञान देने वाला तो हजारों लाखों लोग हैं हर धर्म में, उसमें उसकी तो हम बात करते ही नहीं है, हमारी बात सब अनुभव की है, जो हमारा विजन है, दर्शन है, उसके आधार से ये बात निकलती है, किताब में क्या लिखा है वो हम बात नहीं करते। जैसे मेरे को इस संसार से मुक्ति पाना है, ऐसा मेरा भाव है, मेरा आशय है, इस संसार से मुक्ति पाने का मेरा भाव है, मेरा आशय है, वो आशय की कोशिश कैसे होगी, तो मैं मेरा जो डेवलपमेंट पिछले अवतार का है उसी के मुताबिक मैं उसकी वैल्यू करूंगा। सब लोगों को मोक्ष में तो जाना है, वैल्यू नहीं है, बोलते नहीं है, या सुन लो, यस यस, तो शब्द मुक्ति को थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वैल्यू समझना चाहिए, तो वैल्यू डेवलपमेंट से समझ में आती है, शब्द ज्ञान से ऊपर है, तो पहले डेवलपमेंट से मेरे को मोक्ष में जाना है तो मेरे को वैल्यू समझ आएगी कि मेरे को संसार के लिए लायक और सहायक भाव करना है या तो मुक्ति के लिए लायक। फिर वर्तमान संजोग काम में आता है कि आखिर ये संजोग में कैसे देखे ताकि ये संजोग होते हुए भी बंधन में नहीं पड़े, और वर्तमान ज्ञान कि जिसके ज्ञान के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि पुरुषार्थ करने वाला प्रति सिद्धांता है, प्रकृति व कर्मों के भुगतान का साधन है, और आत्मा मैं खुद हूं और वही अनुभव करना मेरा गोल है, ये वर्तमान विज्ञान से मालूम हुआ। अभी प्रोसेस होती है, मोक्ष में तो जाना है मेरे को, तो प्रोसेस क्या होगी इसके अंदर, मन बुद्धि चित्त के अंदर ये प्रोसेस होगी कि मेरे विचार मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक होने चाहिए, मेरी बुद्धि सिर्फ आत्महित के लिए ही सोचेगी, प्रकृति के हित के लिए नहीं सोचेगी, मेरा चित्त के अंदर वही ज्ञान दर्शन रहेगा मैं कौन हूं और दुनिया कौन चलाता है, मेरा अहंकार यही रहेगा कि मेरे को आत्मा का ही अनुभव करना है, बोलते नहीं है। ये इसकी प्रोसेस का फल क्या आएगा, मेरी भाषा और मेरा संजोग नेक्स्ट वर्ग में मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक ही रहेंगे, यस और नो, ये एग्जाम्पल हो गया। अभी नेक्स्ट वर्ग में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। समझ में आया कि नहीं, तो यही समझना है, ये तो सिंपल साइंस है, और ये साइंस धीरे 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 समझ में, उसमें कोई बाहर की स्पीड की जरूरत, अंदर से शांत भाव से अपने ज्ञान से अपने दर्शन से समझने की कोशिश करते हैं। ये विज्ञान वो आर्ट ऑफ डिजर्न है, वो कोई भी क्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं, और इसलिए क्या करना क्या न करना वो आध्यात्म विज्ञान का शब्द है, समझ में आया, तो वो लाइन क्लियर। आज जो पूरा विश्व क्या करना न करना उसमें उलझ गया है, यह सुन लो, और विज्ञान आपको उसमें से बाहर निकाल दिया कि शब्द भी नहीं रहेगा उनका, समझ में आया, कितना बड़ा सॉल्यूशन, करना न करने का सब्जेक्ट ही खलास हो गया, नहीं तो पहले सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, माला गिरना पड़ेगा, कैंसर होता था ना, आज नहीं हुआ है अभी क्या करेंगे, अफसोस रहता था, आप सोचो ये सब क्या हुआ, निकल गया, हुआ तो भी कुदरत ने इतना, नहीं हुआ तो भी, क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं है, तो फिर
हुआ तो भी पुरुषार्थ है, ना हुआ तो भी पुरुषार्थ है, कुदरती घटना। तो जो हेडेक था टेंशन वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया। कितने बड़े अज्ञान के टेंशन में से आप बाहर निकल गए, समझ में आया? ये बाहर निकलना आसान नहीं है।